चलो जी सर, चलो देखते हैं इसमें डिप्लीशन लेयर का फॉर्मेशन कैसे होता है बीजेटी में, सॉरी डायोड में, पीएन जंक्शन डायोड में। ये पी सिरा दिखा रखा है और ये एन सिरा दिखा रखा है, ठीक है। यहाँ पर जो बड़े बड़े नेगेटिव दिखा रखे हैं इसमें क्या है, ये एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। पी टाइप मटेरियल कैसे बनता है, जब ग्रुप फोर के एलिमेंट्स को ग्रुप थ्री के एलिमेंट्स के साथ मिलाते हैं तो आपका पी टाइप मटेरियल का फॉर्मेशन होता है, और ग्रुप थ्री का एलिमेंट क्या कहलाता है आपका, इम्प्योरिटी के रूप में एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, क्योंकि वो होल्स क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो ये वो होल्स यहाँ पर शो कर रखते हैं, क्लियर है। अब इस साइड में देखिए एन क्षेत्र में, एन क्षेत्र में क्या है, पेंटावेलेंट एटम की अशुद्धि मिलाते हैं ग्रुप फोर के एलिमेंट में तो आपका एन टाइप मटेरियल क्रिएट होता है। तो वो पेंटावेलेंट एटम यहाँ पर शो कर रखा है, वो डोनर इम्प्योरिटी कहलाता है, डोनर इम्प्योरिटी कहलाता है, यहाँ पर डोनर इम्प्योरिटी आयन प्लस से शो कर रखा है, करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ये डार्क सर्कल से शो कर रखा है, ठीक है। जब पी टाइप और एन टाइप मटेरियल मिलाए जाते हैं तो क्या होता है, जंक्शन पर दोनों तरफ में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है। यहाँ से यहाँ पर क्या है, कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा हो गई है, इधर इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन बहुत कम है। एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में है, पी क्षेत्र में होल्स मेजॉरिटी में है, तो एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन्स जो है पी क्षेत्र की तरफ और पी क्षेत्र के होल्स एन क्षेत्र की तरफ गति करने लग जाते हैं ड्यू टू डिफ्यूजन। ये गति क्या कहलाती है, विसरण की गति, ठीक है। ये विसरण के कारण गति चालू हो जाती है, जिसके कारण यहाँ जंक्शन के दोनों तरफ एक पॉजिटिव आयंस और इधर नेगेटिव आयंस की लेयर बनना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब ये गति क्या है, इधर इलेक्ट्रॉन्स इधर गति कर रहे हैं और होल्स जो है वो इस साइड में गति कर रहे हैं ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। विसरण मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से गति हो रही है। अब ये गति क्या हमेशा चलती रहेगी, ऐसा नहीं होता। उसके पीछे कारण क्या है कि यहाँ पर एक पॉजिटिव प्लेट बन गई, जब चार्ज इकट्ठा हो गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ एक पॉजिटिव प्लेट को फॉर्मेशन हो जाता है, इधर एक नेगेटिव प्लेट को फॉर्मेशन हो जाता है। और हम जानते हैं कि अगर यहाँ पर इस तरीके से एक पॉजिटिव प्लेट रखी हो और इधर एक नेगेटिव प्लेट रखी हो तो इसके बीच में एक वैद्युत क्षेत्र बन जाता है, प्लस से माइनस की तरफ इसकी दिशा होती है, ठीक है। और किसी भी वैद्युत क्षेत्र में जब कोई इलेक्ट्रॉन्स गति करते हैं तो उन पर बल लगता है। अगर कोई चार्ज कोई भी आवेश इलेक्ट्रॉन हो ऋणावेश या धनावेश कोई भी गति करेगा तो उस पर बल लगेगा। धनावेश पर जो बल लगता है वो F is equal to qV, जो बल की दिशा होती है वो वही होती है जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है धनावेश के लिए, और ऋणावेश के लिए बल की दिशा कौन सी होती है, जो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में हो। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा किधर हो गई, इस दिशा में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन किधर गति कर रहे हैं, अभी डिफ्यूजन के कारण गति किधर कर रहे हैं, एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की तरफ। वास्तविक गति इलेक्ट्रॉन की इधर है, ठीक है, लेकिन अब विद्युत क्षेत्र इस दिशा में लग रहा है तो इलेक्ट्रॉनों पर जो बल लगेगा, इलेक्ट्रॉन पर जो बल की दिशा है वो किधर है, इस दिशा में, तो यानी कि इलेक्ट्रॉनों को बहने से रोकेगा, इधर जाने से रोकेगा। तो ये एक ऐसा फील्ड क्रिएट हो गया जो इलेक्ट्रॉन की गति का विरोध कर रहा है, ठीक है। अब जब तक डिफ्यूजन का कारण गति होती रहेगी तो इधर धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता रहेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, होगा क्या, एक कंडीशन आएगी कि ये जो बल लग रहा है फिजिकल टू क्यूवी के कारण जो बल लग रहा है वो बल और जैसे जो विसरण के कारण गति इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनका जब बराबर हो जाता है, दोनों के ताकत बराबर हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन का बहना बंद हो जाएगा और उस टाइम पे ये जो मोशन है ड्यू टू डिफ्यूजन ये रुक जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से एक लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ जंक्शन के दोनों तरफ, एक तरफ पॉजिटिव आयंस एक तरफ नेगेटिव आयंस। ये इमोबाइल चार्ज कैरियर कहलाते हैं, ये आपके मोशन नहीं करेंगे किसी भी हालत में, ठीक है। ये इमोबाइल चार्ज कैरियर होते हैं और ये बनाते हैं डिप्लीशन लेयर, इसको क्या बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। और इस डिप्लीशन लेयर पर जो पोटेंशियल डेवलप हो जाता है वो कहलाता है बैरियर पोटेंशियल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, डिप्लीशन लेयर का फॉर्मेशन कैसे होता है और बैरियर पोटेंशियल किसे कहते हैं। तो डिफ्यूजन के कारण जो गति और उससे डिप्लीशन लेयर का फॉर्मेशन हुआ, डिप्लीशन लेयर के फॉर्मेशन से जो प्लेटों के बीच में मध्य में विभवांतर पैदा हुआ दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर,
या बैरियर पोटेंशियल। ठीक है, सिलिकॉन के लिए बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू होती है 0.7 वोल्ट नॉर्मल टेम्परेचर पर, और जर्मेनियम के लिए लगभग करीब कि इन मटेरियल्स के लिए ये वैल्यू ज्यादा लगभग होती है। ठीक है, नॉर्मल बुक्स में क्या मिलता है आपको, एन क्षेत्र में एक बार इलेक्ट्रॉन्स ये वाले शो किए जाते हैं, यहाँ पर दिखा रखा मैंने, और पी क्षेत्र में ये होल्स यहाँ शो कर रखे हैं, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कारण को दिखा रखा है, यानी कि मेजोरिटी में होल्स हैं और एन क्षेत्र में मेजोरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो एक हमने रिविजन किया। ठीक, अब आगे देखते हैं इसका डायोड की बायसिंग कैसे होती है। डायोड का ये वाला सिरा पी सिरा पॉजिटिव और एन सिरा निगेटिव से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, या एनोड और कैथोड भी कहते हैं इनको। जब डायोड का पी सिरा बैटरी के पॉजिटिव से और डायोड का एन सिरा बैटरी के निगेटिव से जोड़ा जाता है तो डायोड फॉरवर्ड बायस कहलाता है। जब डायोड का पी सिरा बैटरी के पॉजिटिव से और डायोड का एन सिरा बैटरी के निगेटिव से जोड़ा जाता है तो डायोड फॉरवर्ड बायस कहलाता है। इसी के विपरीत अगर डायोड का पी सिरा बैटरी के निगेटिव सिरे से और डायोड का एन सिरा बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जोड़ा जाए तो क्या होता है, डायोड रिवर्स बायस होता है। ये कंडीशन रिवर्स बायस की कहलाती है और ये कंडीशन फॉरवर्ड बायस की कहलाती है। दूसरे शब्दों में इसी बात को क्या कहते हैं, अगर सर्किट के अंदर अगर डायोड लगा हुआ है तो अगर डायोड का पी सिरा अधिक धनात्मक है तुलना में डायोड के एन सिरे के, डायोड के एन सिरे की तुलना में डायोड का पी सिरा अधिक धनात्मक है तो भी डायोड फॉरवर्ड बायस होगा सर्किट के भीतर। इसी प्रकार से अगर ऐसी कंडीशन है सर्किट के भीतर कि डायोड का पी सिरा अधिक ऋणात्मक है तुलना में डायोड के एन सिरे के, एन सिरे की तुलना अगर करें वोल्टेज की पी सिरे से और एन सिरा मान लो ज्यादा पॉजिटिव है एज कंपेयर टू पी सिरा तो हमारा डायोड रिवर्स बायस होगा। ठीक है, सर्किट के अंदर ऐसे पहचानते हैं। तो इस प्रकार से डायोड को हम दो तरीके से बायस कर सकते हैं, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। अब देखते हैं अगर फॉरवर्ड बायस आपने किया तो क्या होगा, जब डायोड को फॉरवर्ड बायस करते हैं तो डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई घटती चली जाती है। क्यों घटती, देखिए यहाँ पर वापस आते हैं इस चित्र में, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये फॉरवर्ड बायस कर रखा है डायोड को। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी में है एन क्षेत्र में और पी क्षेत्र में होल्स मेजोरिटी में है, तो यहाँ से बैटरी का जो नेगेटिव सिरा जुड़ा हुआ है यहाँ वो एन इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉनों का एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉनों पर बल लगाएगा, इसी कारण ये इलेक्ट्रॉन गन मोशन करेंगे पीछे की तरफ गति करेंगे। इसी प्रकार से होल्स जो है वो एन क्षेत्र की तरफ गति करने लग जाएंगे और एक पूरा परिपथ जो है इस तरीके से बन जाएगा, तो डायोड के भीतर से इस तरीके से धारा बहने लग जाएगी ड्यू टू होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स बोथ, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों गति कर रहे हैं तो आप जो धारा बनी वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों की वजह से बनी, इसीलिए कहते हैं मेजोरिटी और माइनॉरिटी दोनों ही रोल प्ले कर रहे हैं करंट फ्लो में, मेजर जो रोल है वो मेजोरिटी कैरियर्स का है। ठीक है, तो मेजोरिटी कैरियर्स जो है वो ज़्यादा रोल प्ले कर रहे हैं इसमें। ठीक है, इस प्रकार से हमें इसका फॉर्मेशन हुआ। अब देखते हैं कि अगर हुआ क्या, अभी धारा क्या तुरंत बहने लग जाती है, इस परिपथ में धारा तुरंत नहीं बहती, जैसे आप वोल्टेज बढ़ाएंगे जो आपने फॉरवर्ड बायस बैटरी वोल्टेज लगाया हुआ है वो वोल्टेज, अभी आपने ध्यान दिया था कि बैरियर पोटेंशियल की बात की गई थी, तो जब तक ये लगाया गया वोल्टेज ये अप्लाइड वोल्टेज भी इस बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा ना हो जाए तब तक ये जो इलेक्ट्रॉन्स की गति हो रही है ये गति संभव नहीं हो पाएगी, शुरू ही नहीं हो पाएगी तब तक। तो जब हमारा अप्लाइड वोल्टेज बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा होता है तभी जाकर के इलेक्ट्रॉन्स मोशन शुरू करते हैं। ठीक है, और तभी जाकर धारा का प्रवाह शुरू होता है। तो अगर हम इसका विलक्षण देखें करंट और वोल्टेज के बीच में वाले जब ग्राफ खींचे आई को मिली एम्पियर में हम नोट करें और वोल्टेज को वोल्ट्स में नोट करें तो हम पाएंगे कि कुछ इस तरीके से हमें धारा मिलेगी। जैसे आप शून्य से बढ़ते हैं तो 0.1, 0.2 वोल्ट, 0.3 वोल्ट और लगभग यहाँ पर कहीं पर आते आते मान लीजिए सिलिकॉन डाइऑक्साइड है मटेरियल में सिलिकॉन आपने रखा है तो 0.6 के अराउंड आते आते
ये धारा कम से बढ़ना तेजी से बढ़ना शुरू हो जाती है। उससे पहले धारा बहुत कम मान होता है धारा का, ठीक है। तो यह नेगेटिव शून्य धारा मिलती है, कारण क्या है, पीछे ये बैरियर पोटेंशियल, उसके बाद इधर धारा मिलनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायस में हमें इस प्रकार से धारा मिलती है, 0 से 0.6 या कटिंग वोल्टेज तक कोई धारा नहीं मिलती, और कटिंग वोल्टेज के बाद एकदम से धारा का मान बढ़ जाता है। इस पोटेंशियल को क्या बोलते हैं, क्या नाम बोला मैंने इसका, कट इन वोल्टेज। इस वोल्टेज क्या कहते हैं, कट इन वोल्टेज, वी गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कट इन वोल्टेज को वी गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी हम कैलकुलेशन भी करेंगे अभी, जब हम ग्राफ खींचेंगे प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो हम ये देखेंगे कट इन वोल्टेज कितना बाहर निकाल रहे हैं। अब रिवर्स बायस की तरफ बात करते हैं, ये तो फॉरवर्ड बायस का पार्ट हो गया। अब क्या इसमें एक चीज बताइए, अगर ये क्या मैक्सिमम करंट, कितनी भी करंट बह सकती है इसमें, कितनी भी जितना वोल्टेज लगा उसके हिसाब से करंट बहेगी, और ज्यादा वोल्टेज लगा दे तो क्या और ज्यादा करंट बहेगी, ऐसा नहीं है। इसकी एक लिमिटेशन होती है, मैक्सिमम लिमिट होती है करंट की, कि भाई इतना फॉरवर्ड बायस में आप करंट डाल सकते हैं, ठीक है। उसके ऊपर अगर बियॉन्ड दैट लिमिट अगर करंट बही तो डायोड हमारा जल जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब विद आउट ऑफ लिमिट चले जाएंगे, इसकी भी एक करंट की रेंज है। तो डाटा शीट में लिखा होता है कि करंट के मैक्सिमम लिमिट क्या है इसकी, और साथ में पावर डिसिपेशन भी दिया होता है, कितना पावर डिसिपेशन भी कह सकते हो, चीज़ भी होती है डाटा शीट में। अब रिवर्स बायस की तरफ देखते हैं क्या होता है, अगर इसको आप रिवर्स बायस कर दें तो क्या होगा। रिवर्स बायस करने का तरीका, यहाँ पर आपने बैटरी का नेगेटिव सिरा पी सीरीज से और बैटरी का पॉजिटिव सिरा एन सीरीज से, ठीक है, रिवर्स बायस कनेक्ट होकर। अब रिवर्स बायस में तो ऐसा केस है, क्यों यहाँ पर पॉजिटिव लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन अब जो पहले स्थिति थी उससे ठीक विपरीत हो गई, ये तो डिप्लीशन लेयर का फॉर्मेशन था ही, लेकिन जब यहाँ के जो मेजोरिटी कैरियर्स थे इलेक्ट्रॉन्स, उन पर उधर की तरफ भागने की कोशिश करेंगे, ऐसे जो होल्स होंगे यहाँ पर वो इधर भागने की कोशिश करेंगे। बैटरी की स्थिति देखिए, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, ये पॉजिटिव यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स इधर मोशन करेंगे सर्किट से बाहर आएंगे, तो होगा क्या, इस डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई बढ़नी शुरू हो जाएगी। यहाँ पर इमोबाइल चार्ज कैरियर्स, वो इमोबाइल आयंस जो है वो और ज्यादा क्रिएट हो जाएंगे, और इफेक्टिवली क्या होगा, डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ जाएगी। तो इसमें क्या होता है, डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ जाती है, ठीक है। अब लेकिन इस वोल्टेज का, ये जो आपने रिवर्स बायस में वोल्टेज लगा रखा है, इस वोल्टेज की वजह से धारा नहीं बहती है, होगा क्या, यहाँ थर्मल एजिटेशन होता है, यहाँ थर्मल एजिटेशन होता है, हीट अप हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि विपरीत दिशा में खींचे जा रहे हैं, तो ये हीट अप हो जाते हैं, और हीट अप होने से क्या है, अंदर जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं, अगर आप इसमें इसमें क्या है, होल्स माइनॉरिटी कैरियर्स हैं इसमें, है ना, इसके अंदर एन क्षेत्र में होल्स माइनॉरिटी कैरियर है, पी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी कैरियर है, ठीक है। तो ये माइनॉरिटी कैरियर्स हीट अप होने की वजह से आयंस में कन्वर्ट होकर के इसमें धारा बहने में सहायता करते हैं, तो उनकी संख्या कम होती है माइनॉरिटी कैरियर्स की, जब संख्या कम होगी तो धारा भी कम होगी। तो वास्तव में जो धारा बही वो किसकी वजह से हुई, ड्यू टू थर्मली थर्मल एनर्जी जनरेटेड, या थर्मली जनरेटेड नाम दे दीजिए, हीट अप होने की वजह से थर्मली जनरेटेड कैरियर्स। तो जो आपके माइनॉरिटी कैरियर्स, तो जो बॉन्ड ब्रेक होते हैं वो ड्यू टू थर्मल एनर्जी होते हैं, ठीक है। थर्मल एनर्जी की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से बॉन्ड ब्रेक होते हैं, और तब फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में धारा बहती है, ठीक है। तो रिवर्स बायस में जो धारा बहती है वो रिवर्स वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करती, वो किस पर डिपेंड करती है, कि कितना हीटअप हो गया है, ठीक है, हीटिंग कैपेबिलिटी पर डिपेंड करती है।
तो वो ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर धारा बह रही है, लेकिन वो माइनॉरिटी कैरियर कब बह रहा है? ड्यू टू थर्मल जनरेशन, थर्मल एनर्जी, ठीक है। तो इसमें जो रोल है वो इस फॉरवर्ड बायस का नहीं है, डिप्लीशन विड्थ जो है इस वोल्टेज पर डिपेंड नहीं कर रही है, जो धारा जो है इस वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करती। धारा किस पर डिपेंड करी? कितना इसका ताप बढ़ गया है, हीटअप कितना हुआ, उसके हिसाब से धारा बढ़ गई। और रिवर्स बायस में बहुत कम मात्रा की धारा, लगभग नैनो एम्पियर, और बहुत थोड़ी बहुत ज़्यादा हुई तो माइक्रो एम्पियर रेंज की धारा बहती है। तो इसीलिए अगर आप यहाँ पर ग्राफ देखें रिवर्स साइड में, तो रिवर्स साइड में बहुत नेग्लिजिबल धारा बहती है इस तरीके से। और एक कंडीशन के बाद डायोड जलने की भी स्थिति आ जाती है, ठीक है। अगर आप रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ाते चले जाएंगे तो एक स्थिति आएगी कि डायोड आपका जल सकता है। इस वोल्टेज को बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्या बोलते हैं इसको? ब्रेकडाउन वोल्टेज, याद रखना इसको, ठीक है, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। इसके बाद अगर आपने वोल्टेज बढ़ाया तो डायोड जलकर नष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि फॉरवर्ड बायस में हमने धारा कैसे, भाई एक बार समराइज कर देता हूँ। जैसे ही फॉरवर्ड बायस अप्लाई करते हो तो जीरो से वोल्टेज बढ़ाना शुरू किया आपने, जीरो से 1, 2, 3, 0.1, 0.2, 0.3 वोल्ट तक बढ़ाया। और जैसे अगर सिलिकॉन डायोड है तो 0.6 के अराउंड धारा की बढ़ना शुरू हो जाती है, यानी कि धारा में वो डायोड के थ्रू धारा 0.6 यानी वेरियर पोटेंशियल के बाद ही धारा बहने शुरू होती है, ठीक है। और इस वेरियर पोटेंशियल को यहाँ पर नाम देते हैं कटिंग वोल्टेज, ठीक। और इसी प्रकार से जब रिवर्स बायस की हम बात करते हैं तो रिवर्स बायस में नेग्लिजिबल अमाउंट की करंट धारा बहती है नैनो एम्पियर या माइक्रो एम्पियर रेंज की, माइक्रो एम्पियर रेंज की धारा बहती है इस क्षेत्र में, ठीक है। और इसको रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिवर्स सैचुरेशन करंट, ठीक है। तो ये दो धाराएं इसमें बहती हैं, ठीक है। आइए प्रैक्टिकल देखते हैं इसको। आइए देखते हैं कि सर्किट जब हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करेंगे तो सर्किट कुछ इस तरीके से जोड़ लेते हैं हम, ठीक है। ये फॉरवर्ड बायस डायोड है, इसमें फॉरवर्ड वोल्टेज नापने के लिए यहाँ पर वोल्टमीटर लगाया, वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में लगाते हैं, ठीक है। और सीरीज में, सर्किट के सीरीज में ये मिलीमीटर लगा दिया, फॉरवर्ड बायस और मिलीमीटर के रेंज में इसको, और एक साथ में रेजिस्टेंस लगा दिया लोड के लिए। यहाँ पर वोल्टेज कौन उसको वैरी करेंगे, ठीक है। और ये तो हो गया फॉरवर्ड बायस का, ठीक है। इसमें हम वोल्टेज चेंज करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग जो धारा का मान उसको नोट कर लेंगे, ठीक। और वोल्टेज और करंट के बीच में फिर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, फिर हम देखेंगे कि क्या ये चीज़ मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ठीक। टेबल बनाएंगे बी और आई के बीच में, रीडिंग्स नोट करके फिर ग्राफ देख लेंगे क्या बन रहा है। इसी प्रकार से रिवर्स बायस में डायोड को सिंपली यहाँ पर रिवर्स कर देंगे, हमें डायोड क्या करेंगे यहाँ पर रिवर्स कर देंगे, यानी कि ये प्लस सिरे घर और माइनस सिरे घर, ठीक है। चलिए आगे करके देखते हैं, इसको सीधा कर देना। देखिए ये है पिन जंक्शन करेक्टरिस्टिक किट डायोड की, इधर पावर सप्लाई है, ठीक है। ये दो टर्मिनल पावर सप्लाई के हैं, इधर ये वोल्टमीटर लगा हुआ है वोल्टेज नापने के लिए, इधर एमीटर लगा हुआ है धारा नापने के लिए। इसमें माइक्रो एम्पियर और मिली एम्पियर दोनों का हम इसमें सेट कर सकते हैं। इधर नॉब डाला हुआ है, माइक्रो एम्पियर रेंज में कर देंगे तो माइक्रो एम्पियर रेंज में धारा नापेगी, और मिली एम्पियर रेंज में इधर नॉब करना है। इसी प्रकार से वोल्टेज अगर 1 वोल्ट तक की रेंज को नापना है तो यहाँ इस साइड में रखेंगे 1 वोल्ट की तरफ, और 20 वोल्ट तक के रिवर्स बायस में जब हम करेंगे तो 20 वोल्ट तक की तरफ इधर नॉब रख करके करेंगे, ठीक है। यहाँ पर वोल्ट मीटर को डायोड के अक्रॉस इस तरीके से लगाना है ताकि वोल्टेज नाप सकें, और मिली एमीटर को फॉरवर्ड बायस मिली एमीटर यहाँ पर इस प्रकार से सीरीज में लगाना है, ठीक है। और एक साथ में एक लोड रेजिस्टेंस ये लग जाएगा। तो सर्किट जोड़ के देखते हैं इसको। सबसे पहले तो पावर सप्लाई जोड़ते हैं, ये पॉजिटिव सिरा जोड़ दिया, ठीक है। इधर नेगेटिव सिरा जोड़ दिया, ठीक। ये वोल्टेज का पॉजिटिव सिरा, इधर ये नेगेटिव सिरा, डायोड के दूसरे सिरे से ये साइड से, ठीक है। और इसको
वन एम्पियर रेंज, वन वोल्ट रेंज में रख देते हैं वोल्टेज को, ठीक है। और मिली एमीटर को हमें जोड़ना है सीरीज में, तो इसका एक टर्मिनल यहाँ पर जोड़ दिया, ठीक, और दूसरा टर्मिनल जो है इस प्रकार से जोड़ दिया माइनस वाले साइड, और इस लोड को कनेक्ट करने के लिए हमने एक वायर यहाँ से यूज़ कर लिया, इससे इसको जोड़ दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा सर्किट जुड़ गया है, ठीक। अब पावर सप्लाई ऑन करेंगे और वोल्टेज को जीरो से बढ़ाते हुए चले जाएंगे और उसके करस्पॉन्डिंग जो धारा है उसको मीटर कर लेंगे, ठीक है। देखिए अब इसको पावर सप्लाई ऑन करते हैं, ठीक। ये अब ये वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ाते हैं और इसकी करस्पॉन्डिंग रीडिंग नोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए इधर की तरफ में ये थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाया, पॉइंट फोर वोल्ट तक आ गया। इसको बिल्कुल पैरेलल देखना है, 0.4 वोल्ट पर धारा का मान कितना है, यहाँ देखिए शून्य मिली एम्पियर, यहाँ पर धारा बिल्कुल शून्य पर ही है, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा सा और आगे वोल्टेज बढ़ाते हैं, 0.5 वोल्ट पर, ठीक है, 0.5 वोल्ट पर भी धारा का मान लगभग शून्य है, और ये 0.6 तक करा हमने, 0.6 पर थोड़ा सा धारा का मान बढ़ा है करीब एक खाने, तो मिली एम्पियर रेंज में है ये, तो एक मिली एम्पियर के अराउंड बढ़ गया ये, ठीक है। एक छोटा खाना एक मिली एम्पियर के बराबर है। अब उसके बाद फिर आगे बढ़ाते हैं 0.7 तक, तो 0.7 पर देख रहे हैं आप इसमें धारा ये 0.7 तक बढ़ गई है, ठीक है। और इसमें धारा का मान हो गया है 1, 2, 3, 4, 5 खाने लगभग, तो 5 मिली एम्पियर के आसपास धारा हो गई, ठीक है। इसको और बढ़ाते हैं 0.75 करते हैं, 0.75 तक, ये अप्रॉक्सीमेट 0.75 है, ठीक है। तो 0.75 पर धारा का मान देकर आप देखें तो 10, 5, 15 करीब करीब 16-17 एम्पियर के आस अराउंड है धारा। और आगे बढ़ाते हैं तो और आगे देखिए वोल्टेज का मान भी नहीं बढ़ रहा है और धारा का मान भी नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। धारा का मान तो उतने पर, क्योंकि यहाँ पर हमने 500 ओम का रेजिस्टेंस लगा रखा है, तो इसने धारा को लिमिट कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारा फॉरवर्ड बायस में ये रीडिंग्स आ गई, इसको हम नोट कर लेंगे। अब रिवर्स बायस में करते हैं, रिवर्स में कनेक्शन के लिए पहले तो इसको बैटरी के सिरे को, क्योंकि डायोड तो इसी प्रकार से लगा हुआ है, इसमें सेट है पहले से प्री डिफाइंड है, तो हम बैटरी का नेगेटिव सिरा डायोड के पॉजिटिव सिरे से जोड़ते हैं, ठीक है। और बैटरी का पॉजिटिव सिरा डायोड के नेगेटिव से देखो इस साइड से हम लेते जाएंगे इसको, ठीक है, इस नेगेटिव से। तो अब ये वोल्टेज वोल्टमीटर जोड़ देते हैं पैरेलल में, ठीक है। ये अब इसमें रिवर्स वोल्टेज रहेगा, तो इसको नेगेटिव इधर और पॉजिटिव इधर लगा देते हैं, ठीक है। और मिलीमीटर भी इसी प्रकार से, मिलीमीटर का नेगेटिव सिरा जो है इस साइड से, और फिर वो माइक्रो एम्पियर नापना पड़ेगा माइक्रो रेंज में, तो इसको माइक्रो रेंज पर सेट कर दिया है, इधर इसको कनेक्शन सीरीज में जोड़ दिया है, और ये रेजिस्टेंस जो है ये साथ में सीरीज में जोड़ दिया है, ठीक है। तो ये सर्किट हमारा पूरा हो गया। अब पावर सप्लाई ऑन करते हैं, ठीक, और धारा वोल्टेज बढ़ाना शुरू करते हैं धीमे धीमे। देखिए वोल्टेज बढ़ रहा है, तो माइक्रो एम्पियर रेंज में धारा काफ़ी मिल रही है हमें, करीब ये 1 वोल्ट बढ़ाने पर माइक्रो एम्पियर रेंज में करीब करीब 50 माइक्रो एम्पियर के अराउंड धारा हमें मिल रही है, ठीक है। और इसको थोड़ा सा रेंज बढ़ा लेते हैं आगे। अब इधर देखते हैं, लूज कनेक्शन से लग रहा है, ये देखिए 16 वोल्ट तक क्या धारा है, उसके आगे कुछ नहीं मिल रहा है, देख रहे हैं। यहाँ पर सुई जो है वो एक खाने तक तो गई है, एक खाने के आगे फिर नहीं बढ़ रही है वो, ठीक है। तो लगभग आप मान लीजिए कि 100 माइक्रो एम्पियर तक की धारा है, 16 वोल्ट पर भी इतना है। इधर और वोल्टेज बढ़ाया, 20 वोल्ट तक हमने कर दिया है, इसको इस रेंज में इसको चेंज करते हैं, सॉरी ये अभी 16 नहीं था, ये
दोबारा रीडिंग ले लेते हैं इसको। ये 2 वोल्ट पर सेट किया, 2 वोल्ट पर हमारी वही पुरानी धारा है 100 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। और ये 4 वोल्ट पर आ गए, 4 वोल्ट पर धारा भी 100 के राउंड ही है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। 8 वोल्ट पर भी धारा सेम है, ठीक। तो 8 वोल्ट तक की हमें ये कैपेसिटी है इसकी मेजर करने की, तो 8 वोल्ट तक का पावर सप्लाई में हमें 100 माइक्रो एम्पियर की धारा मिली, ठीक है। इस प्रकार से हमने रीडिंग नोट कर ली है। आइए अब देखते हैं इसका प्लॉट कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये पॉइंट हमने बना लिए यहाँ पर, और ये यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो इस प्रकार से मैं फ्री हैंड कर रहा हूँ, आप स्केल से कर लेना इसको। ये वोल्टेज इधर रखेंगे, करंट वैल्यू इधर रखेंगे, ठीक है। देखते जाएगा ध्यान से, ऊपर इधर मिली एम्पियर रेंज में है ये, और इधर वोल्ट रेंज में इसको नीचे करेंगे। सबसे पहले 0 और 0.4 को, अब ये क्या है, ये मान लीजिए 0.1 है, ये 0.2, इधर 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 और 0.7 और 0.8। इस प्रकार से मैंने इनके मेजरमेंट कर लिए। करंट के लिए वैल्यू मैंने लिख दी यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 मिली एम्पीयर तक की, ठीक है। तो पहले फॉरवर्ड बायस का देखते हैं। पहला पॉइंट है 0.4 और 0, तो 0.4 यहाँ पर और उस पर धारा का मान 0, तो पहला पॉइंट हमारा ये बना। पहला पॉइंट क्या है, 0.4 और 0 है ना, वोल्टेज का मान 0.4, तो यहाँ से 0.4 वोल्टेज में आ गए, तो धारा का मान 0 ही है, तो धारा ऊपर तो जाना नहीं है, तो यहीं पर धारा का मान होगा, तो 0.4 और 0 ये प्लॉट हो गया। दूसरा बिंदु क्या है, 0.5 और 0, तो ये भी यहीं पर है। तीसरा बिंदु क्या है, 0.6 और 1, तो 0.6 यहाँ पर है, और यहाँ से 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर करीब करीब यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है। यहाँ से हमने इसको ड्रॉ किया, ये 1 पर आ गया, फिर 0.6 पर यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो हमें अगला बिंदु मिला यहाँ पर 0.6 का, ठीक है। फिर 0.7 पर 5, तो 0.7 इधर चले गए, और करस्पॉन्डिंग अप टू 5 यहाँ पर, देखो 5 का धारा का मान दिख रहा है आपको। तो ये वाला जो बिंदु है, ये तो था 0.6 और 1, और ये जो बिंदु है 0.7 और 5 का बिंदु यहाँ पर, ठीक है। ये पॉइंट आ गया, क्लियर है। तो एक बिंदु ये बन गया। फिर 0.75 लगभग यहाँ पर, और 0.75 के रेस्पॉन्डिंग 17 करीब करीब, तो 17 काफ़ी ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब हम इसको प्लॉट करते हैं, देखो लाइन खींचते हैं यहाँ से, इस तरीके जाएगा, फ्री हैंड इसको ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ से ये हुआ, ठीक, और यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट इसको मिलाते हुए, इस पॉइंट को मिलाते हुए हम खींचते चले गए, ठीक। तो आप थोड़ा सा सही से कर लीजिएगा ये पॉइंट को मिला करके, इस टाइप से फॉरवर्ड बायस में हम ये ग्राफ करेंगे, ठीक है, वी आई कैरेक्टरिस्टिक। और रिवर्स बायस में अब बात करते हैं। तो यहाँ हमने 0 मान रखा था, ये रिवर्स बायस में अब इधर ये हो गया, इधर ये है, यहाँ पर धारा है, तो धारा हम देख रहे हैं माइक्रो एम्पियर रेंज में है, माइक्रो एम्पियर रेंज में। और यहाँ पर हम मान लेते हैं 50 माइक्रो एम्पियर, यहाँ पर 100 माइक्रो एम्पियर, ठीक, ये 150 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। और हमने रीडिंग निकाल रखे हैं, ये देखिए वोल्टेज 1 वोल्ट पर। अब इधर जो है, इधर फिर से हमने वोल्टेज रेंज बढ़ाई है, यहाँ तो 0.1, 0.2, 0.3 मान रखा है, लेकिन इधर जो वोल्टेज रेंज रखी है हमने वो 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट, क्योंकि ये बहुत तेज़ बढ़ेगा ना, इसलिए हमें इसको थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ेगा, जबकि 10-20 भी रखें तो भी ठीक है, 7 और 8 करीब करीब यहाँ पर है ना। तो अब आप देखो 1 वोल्ट पर करीब 50 माइक्रो एम्पियर यहाँ पर धारा मिल रही है, 1 पर यहाँ पर धारा मिल रही है, ठीक है। और फिर 2, 3, 4, 2 पर भी इतनी है, 2 पर करीब 100 पहुँच गई है, 100 माइक्रो एम्पियर, और फिर 100 के बाद फिर ये बढ़ नहीं रही है, और 4 पर भी 100, 5 पर भी 100, 6 पर भी 100, 7 पर भी 100, 8 पर भी 100, तो अप्रॉक्सीमेट जो ग्राफ बन रहा है कुछ इस तरीके से बन रहा है, ठीक है।
तो रिवर्स बायस में जो हमें धारा ये मिल रही है ये माइक्रो एम्पीयर रेंज की रिवर्स सैचुरेशन करंट कहलाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इधर वाला जो ग्राफ है वो किस में है, फॉरवर्ड बायस, और ये रिवर्स बायस। अब आप मुझे बता सकते हैं कि कट इन वोल्टेज कितना होगा, कट इन वोल्टेज कौन सा होता है बता सकते हैं? कट इन वोल्टेज कैसे निकालते हैं, यहाँ पर अगर आप इस तरीके से स्लोप पर एक लाइन खींचते हैं तो ये जो वोल्टेज आता है यहाँ पर कट इन वोल्टेज आता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वी कट इन का जो वैल्यू है 0.7 के राउंड, यहाँ पर स्लोप में 0.6 के राउंड आ रही है या 0.67 कुछ बीच में आएगी, अगर स्केल होता तो इस तरह से खींच करके हम बना सकते हैं। ठीक है, जैसे इसकी अगर बात करें तो इन दो पॉइंट्स पर आप इसके स्लोप पर इस तरह से डालिए तो स्लोप खींचा जा सकता है। तो अप्रॉक्सीमेटली इसकी वैल्यू जो है 0.6 वोल्ट का राउंड आ रही है। तो हमने पढ़ रखा है कि सिलिकॉन डायोड के लिए कितना होता है 0.6, है ना? तो यहाँ पर प्रैक्टिकल डायोड हमारा 0.6 वोल्ट का राउंड आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से वी कट इन वोल्टेज निकल गया, फॉरवर्ड बायस ग्राफ खींच गया, इस तरीके से हमने रिवर्स बायस का भी ग्राफ खींच लिया। क्लियर है? तो ये वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स आपके ड्रॉ होंगे डायोड की। ठीक है, चलिए थैंक यू। एक चीज़ और, इसमें जो धारा का ये ग्राफ बना है ये एक नियम को फॉलो करता है, I इज इक्वल टू आई एस ई रेज टू द पावर वी ओवर ईटा वी टी लेस वन। ठीक है, इस नियम को फॉलो करता है। अब अगर आप V की वैल्यू माइनस पे रखेंगे तो इसकी वैल्यू जो है इस टर्म की वैल्यू जीरो के ग्राउंड पहुंच जाएगी। जितना ज़्यादा रिवर्स होता चला जाएगा उतना ज़्यादा रिवर्स ये जीरो की तरफ टेंड करता चला जाएगा। तो रिवर्स बायस में क्या होगा, आई अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू माइनस ऑफ आई एस हो जाएगा। इसी को बोलते हैं रिवर्स सेचुरेशन करंट। तो रिवर्स सेचुरेशन करंट किस वजह से फ्लो करती है, ड्यू टू थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी कैरियर्स। ये करंट किस वजह से पैदा हुए, थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी कैरियर। ठीक है, तो ये कैरियर्स हैं जो इस करंट को बना रहे हैं। और जबकि फॉरवर्ड बायस में क्या है, मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से धारा बहती है। ठीक है, फॉरवर्ड बायस में आपका ये रूल फॉलो होता है पूरा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव वैल्यू आई कुछ ना कुछ वैल्यू आती चली जाएगी और ये ग्राफ आपको इस प्रकार से मिलता चला जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा करेक्टरिस्टिक्स बन जाता है। चलिए थैंक यू। ये डायोड को देखिए, अभी अगर हम डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट बनाए तो ये आइडियल डायोड के साथ में सीरीज में रेजिस्टेंस और कट इन वोल्टेज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। ये कट इन वोल्टेज कौन सा, पोटेंशियल बैरियर वाला। ठीक है, और रेजिस्टेंस और होल्स, वो जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स मूवमेंट करते हैं डायोड के अंदर, वो एक रेजिस्टेंस छोटा सा पैदा करते हैं। जो हमने अभी कैरेक्टरिस्टिक्स खींची थी, इस कैरेक्टरिस्टिक्स से हम रेजिस्टेंस फॉरवर्ड रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये हमने खींचा था, कोई दो पॉइंट ले करके आप इनका